हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओमकार, अतुल, गुड इवनिंग। हेलो साक्षी, आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग गुड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओमकार, अतुल, एक सेकंड रुक जाओ, मेरा कैमरा थोड़ा आगे आ गया है। चलो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन इज द न्यू चैप्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग टुडे। हेलो हेलो वंशिका, हेलो साक्षी, अतुल, ओमकार, कैसे हो आप लोग? मजे में हो? सो लेट अस कंटिन्यू द न्यू चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर का न्यू पार्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट कंपटीशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट कंपटीशन। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को देखनी थी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हमने देख लिया सप्लाई के बारे में, हमने देख लिया डिमांड के बारे में। सप्लाई जो करता है सप्लायर, डिमांड जो करता है बायर, और ये दोनों जहां मिलते हैं वो प्लेस होती है मार्केट। बच्चों, मार्केट हमेशा जरूरी नहीं है फिजिकल ही होना चाहिए, मतलब जहां पे मैं किसी के शॉप पे जा रहा हूँ और वहां पे गुड्स बाय कर रहा हूँ। के सर, दुष्यंत सर लाइव आने वाले हैं कब से? अनिकेत बेटा, एक्चुअली डीजे सर और सुपान सर आज भी है फॉर बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। हमारे जो रिजल्ट्स लग गए हैं किसके, एग्जीक्यूटिव के, तो वो लाइव शायद थोड़ा लेट आएंगे। आएंगे जरूर, बट लेक्चर नहीं लेने वाले वो लोग आज। ओके, रिमेंबर दैट। ठीक है, आज वो लेक्चर नहीं लेंगे, बट लाइव जरूर आएंगे, आप लोगों से बात जरूर करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का लेक्चर रिजल्ट लगा है, आई डोंट नो कुछ हुआ है, मैंने उनका वीडियो नहीं देखा। ठीक है, बट कुछ तो इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ किया आई गेस। चलो, तो फिजिकल के अलावा बच्चों, आप जब अमेज़न फ्लिपकार्ट, सुपान सर का टाइम क्या है आज? सुपान सर और डीजे सर नहीं लेने वाले बच्चों। इफ यू आर इन द CSE का ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप, तो डीजे सर ने वहां पे क्लियर मैसेज डाला है कि सुपान सर और डीजे सर आज लेक्चर नहीं लेंगे, आज लेक्चर मैं लूंगा, और आपका ये जो आज का लेक्चर मिस हुआ है वो दशहरे के दिन या संडे के दिन कवर अप हो जाएगा। सुपान सर और डीजे सर संडे के दिन या दशहरे के दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके बच्चों, बट लेक्चर मिस नहीं होगा आपका, डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट दैट। ओके, तो आप ध्यान दो, मार्केट वो प्लेस है जहां पे बायर सेलर एक दूसरे को मिलते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि मार्केट जो है उसमें हमेशा फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बायर और सेलर होना ही चाहिए। अब तो मार्केट वर्चुअल भी हो गया है, बट ओनली प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन इंटरैक्ट इज कॉल्ड एज अ मार्केट। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, अ वराइटी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर विल बी कैरेक्टराइज्ड will characterize an economy. Such market structures essentially refer to the degree of competition. बच्चो, अलग-अलग markets जो होते हैं, English और BC का lecture 15th से start होने के पूरे possibilities है। ठीक है, English और BC का lecture 15th से start हो जाएगा। बच्चो, आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपका सब कुछ properly करवा देंगे, इतनी promise। ठीक है, so 15 से हो जाएगा, आपने इतना भरोसा रखा है तो बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। I know this is the wrong thing to ask from you, but एक बात समझो, बचे हुए तीन सब्जेक्ट हम फटाफट उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं रहेगा, और इंग्लिश बीसी भी आपका 15 से स्टार्ट होने के चांसेस है। एग्जैक्ट डेट तो सुपान सर या डीजे सर ही बताएंगे बच्चों, मैं मतलब सारा फाइनलाइजेशन उनके हाथ में होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई उनको ज्यादा बेटर आइडिया होगा। ओके,
सो डीजे सर या सुपान सर कल आप हम लोग उनसे पूछ लेंगे कल के कल ही. ओके चलो तो अब बट शुरू जरूर होगा. वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू विथ यू नो वन सब्जेक्ट लेस. चलो अब बच्चों अलग अलग मार्केट्स कैसे होते हैं सर. मार्केट व्हाइट होता है ब्लैक होता है कैसा होता है फिजिकल होता है वर्चुअल होता है. बच्चों अगर हम प्लेस की बात करें प्लेस तो जहां बायर और सेलर एक्चुअल में मिल रहे हैं फिजिकल मार्केट मैं शॉप पे जाके कुछ बाय कर रहा हूँ या वर्चुअल मार्केट मैं ऑनलाइन एक वेबसाइट ओपन करके कुछ बाय कर रहा हूँ. ठीक है ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. बट अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन हम लोग बात करें तो वो वाले मार्केट्स कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. समझा यहाँ पे जो कौन से मार्केट्स देखने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन के बेसिस पे कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं तो डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर. बच्चों मैं एक सेलर हूं आप एक सेलर हो हम दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं सब्जी. आप एक सब्जी वाले हो मैं एक सब्जी वाला हूं. ठीक है आप सब्जी बेच रहे हो मैं सब्जी बेच रहा हूं मैं आपके बाजू में बैठ के सब्जी बेच रहा हूं. आपका करेला मीठा लग रहा है और मेरा करेला कड़वा लग रहा है ऐसा होने वाला है क्या? नहीं करेला तो कड़वा ही होता है. ठीक है तो आपका करेला आप जो करेला बेच रहे हो और मैं जो करेला बेच रहा हूं आई नो यू ऑल डोंट लाइक करेला और मे बी यू लाइक इट बिकॉज आई लव करेला. ठीक है कड़वी चीजें बहुत पसंद है मुझे. ठीक है क्योंकि मैं बहुत मीठा हूं. आई एम सॉरी जोक्स बट आई एम इन अ गुड मूड टुडे. ठीक है सो प्लीज पे अटेंशन. बच्चों मैं भी करेला बेच रहा हूँ आप भी करेला बेच रहे हो. सब्जी खरीदने को जो आया है वो मेरी शक्ल आपकी शक्ल देख के लेने वाला है करेला देख के लेने वाला है करेला. वो ये भी नहीं देखेगा जस्ट अ सेकेंड वो ये भी नहीं देखेगा कि यू नो मैं उसको बार मैं उसका फेवरेट सेलर हूँ या आप उसके फेवरेट सेलर हो डजंट मैटर. उसको करेला खरीदना है. करेला इज अ प्रोडक्ट जिसमें ना ब्रांड मैटर करता है ना कुछ मैटर करता है. मेरा करेला खरीदो या आपका करेला खरीदो इट विल टेस्ट द सेम. तो वो किसका करेला खरीदेगा? Now tell me, अगर एक बंदा मार्केट में आता है एक बंदा आपका एक्स. ठीक है एक बंदा आपका एक्स मार्केट में आ रहा है करेला बाय करने के लिए. ठीक है मार्केट में आ रहा है करेला बाय करने के लिए. दोनों उसके सामने दो सेलर्स है सेलर वन और सेलर टू. सेलर वन और सेलर टू. सेलर वन बोल रहा है मेरे करेले का भाव है 40 रुपीज पर केजी. सेलर टू बोल रहा है मेरे करेले का भाव है 50 रुपीज पर केजी. किसका करेला खरीदेगा आपका एक्स? आपका एक्स तो कंजूसी था ना. आपका एक्स किससे करेला खरीदेगा? लव कर सांगा मेरे को मतलब मुझे बताओ आपका एक्स किससे करेला खरीदेगा? अरे हिंदी मूवीज रुक जाओ बेटा दो मिनट. सांगो बताओ किसका करेला खरीदोगे? आपका एक्स हो या आप हो उसकी जगह पे आप किससे करेला खरीदोगे सेलर वन से या सेलर टू से? अरे आज कहाँ गायब है सब? ओके साक्षी आप बोल रहे हो आप सेलर वन से खरीदोगे बाकी लोग आई वांट योर आंसर. चलो यार वंशिका यू आर आल्सो सेइंग आप सेलर वन से बाय करोगे. बट बच्चों मेरे को एक बात बताओ मैं मारवाड़ी हूं इसीलिए आपको लगता होगा कि मैं कंजूस हूं और कंजूस मारवाड़ी जाके इससे खरीदेगा. आप तो कंजूस नहीं हो ना जाओ ना इसके पास हो गया आप कंजूस नहीं आप कंजूस नहीं हो जाओ ना इसके पास. क्यों नहीं जा रहे आप? आपके पास तो बहुत पैसा है ना उड़ाने के लिए. जाओ ना 10 रुपए महंगी सब्जी खरीद लो क्या बिगड़ेगा? क्यों नहीं गए आप उसके पास? क्यों नहीं गए? अच्छा अतुल जी आप भी जाओगे? सब जा रहे इधर. मैं जाऊं तो आप मुझे बोलोगे सर आप कंजूस मारवाड़ी हो ना आप तो सस्ती चीज ही खरीदोगे क्योंकि आप कंजूस हो. तुम लोग क्यों गए उधर? आप क्यों नहीं गए? आप तो पैसे वाले हो ना आप कंजूस नहीं हो. चलो पैसे वाले भी हो और आप तो कंजूस भी नहीं हो तो आप क्यों नहीं गए S2 के पास? क्योंकि आप रैशनल हो. डू यू अग्री आप रैशनल हो? पॉइंट यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बताओ क्या आप रैशनल हो या नहीं हो? आर यू अ रैशनल कंज्यूमर? आप करो तो रैशनल कंज्यूमर
और मैं करूं तो कंजूस, वेरी गुड बच्चों, इकोनॉमिक्स हमारी वजह से ही बना है, मारवाड़ियों की वजह से, हमें पैसों की वैल्यू है, तुम लोगों को भी है, सिर्फ हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम करें तो कंजूस, आप करो तो रैशनल कंज्यूमर, समझा कि नहीं समझा? तो मारवाड़ी कंजूस नहीं है बच्चों, मारवाड़ी, यस अंजलि, वी आर रैशनल कंज्यूमर्स, किसको कंजूस बोलना है तो बोलने दो, हम लोग कौन है, हम लोग रैशनल कंज्यूमर्स है। हाँ, अग्रवाल लोग सारे सामने आ गए तुरंत अंजलि ने आज तक जवाब नहीं दिया, साक्षी और अंजलि ने तुरंत, अग्रवाल लोग सामने आ गए क्योंकि हमको बहुत सुनाई देता है, क्या कंजूस मारवाड़ी है, हम कंजूस मारवाड़ी नहीं है, हम रैशनल कंज्यूमर्स है और तुम भी रैशनल कंज्यूमर हो बच्चों, पैसा बच रहा है तो क्यों नहीं बचाएंगे, हम लोग पैसा बचाने के लिए इसके पास जाएंगे। अच्छा एक रीजन बताओ, इसके पास जाने का एक रीजन, चलो जोक्स अपार्ट, मारवाड़ी वाला तो मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि मुझे बहुत बचपन से सुनाई दिया है कि कंजूस कंजूस कंजूस, हालांकि मैं सच में कंजूस नहीं हूं, तुम लोग मुझसे पार्टी मांग लो मैं पार्टी दे दूंगा, बट उसके लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा ना, मैं घर आके थोड़ी पार्टी दूंगा तुम लोगों को। चलो सर डीजे सर कब लाइव आएंगे? अच्छा अनिकेत और बाकी सब लोग जिन्होंने मुझे पूछा, एक बार फिर से आज बता देता हूँ बच्चों, डीजे सर और सुपान सर आज लेक्चर नहीं लेने वाले हैं क्योंकि आज एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट लगा है और उन्होंने सीएसईटी के ग्रुप पे भी डाला है बच्चों, ये जो आज का लेक्चर आपका मिस हुआ है, डीजे सर और सुपान सर दशहरे के दिन या संडे के दिन कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, डन, योर डाउट्स आर क्लियर, ओके, यस अंजलि, फ्रेंड्स मेक फन, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर एंड बनिया, अरे बनिए हैं तो है, बनिया ही तो दुनिया चला रहा है भाई साहब, ठीक है, सो डोंट वरी। चलो जोक्स अपार्ट, मारवाड़ी वाले जोक्स अपार्ट, अब एक बात समझो, कोई भी रैशनल कंज्यूमर S1 सेलर 1 के पास जाके क्या खरीदेगा, करेला खरीदेगा, ऐसे केस में ना प्रोडक्ट में डिफरेंस है बच्चों, करेला S1 के पास जो है ना सेम करेला S2 के पास है, सेलर 1 के पास जो करेला है सेलर 2 के पास भी वही करेला है, यहां ब्रांड भी मैटर नहीं करता। अच्छा ब्रांड होता तो बात और होती बच्चों, क्योंकि ब्रांड के साथ साथ एक अलग रिश्ता जुड़ जाता है हमारा, अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें प्रोडक्ट के ऊपर, बट जब दोनों के पास सेम चीज है तो तुझ में किस बात का एटीट्यूड, यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ आज, इसीलिए मैं इसको बंद करके रखा। ओके तो भाई तुझ में किस बात का एटीट्यूड है, S2 तेरा करेला सेम होने के बावजूद तुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे? तो एक नॉर्मल कंज्यूमर इसके पास जाएगा क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स कैसे है, दोनों सेलर के प्रोडक्ट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे के, दोनों अच्छा एग्जैक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, ये कंसेप्ट थियोरेटिकल है, बट इसका बेस्ट एग्जाम्पल, क्लोजेस्ट एग्जाम्पल सब्जी वाला, फूल वाला, ठीक है, या आपको बुक खरीदनी है या फिर आपको खाना खरीदना है, प्लीज ध्यान दो इधर, आपको स्विगी और जोमैटो में से कहीं से ऑर्डर करना है, होटल वही है, खाना वही है, डिश वही है, आपको एक सपोज आपको एक पिज्जा मंगाना है डोमिनोज से, स्विगी से मंगाओ या जोमैटो से मंगाओ, दोनों चीज तो सेम लाके देने वाले हैं, सपोज टाइम भी सेम लगने वाला है उनको, तो आप जहां से सस्ता है वहां से मंगाओगे, इसका मतलब जहां पर प्रोडक्ट एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वहां पे कॉम्पिटिशन भी परफेक्ट होगी, एक का प्राइस गिरा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी डिमांड सॉरी एक का प्राइस गिरा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और बाकी सबकी डिमांड खड्डे में चली जाएगी, समझा यहाँ पे, समझा? तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे ना बायर को लेना देना है कि सेलर कौन है, सेलर की आइडेंटिटी मैटर नहीं करती, सेलर को बायर की आइडेंटिटी मैटर नहीं करती, अच्छा सेलर को बायर की नहीं मैटर करती बाढ़ में जाए, बट बायर, मैं बायर हूं, एक बात बताओ, मैं जब मोबाइल फोन खरीदने जाऊंगा तो मेरे लिए ब्रांड मैटर करेगा सेलर कौन है, यस और नो? मैं मोबाइल फोन खरीदने जाऊंगा तो मेरे लिए ब्रांड मैटर करेगा सेलर कौन है, मैं कुछ और खरीदने जाऊंगा जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, लैपटॉप, यहाँ पे मेरे लिए ब्रांड मैटर करेगा, सब्जी खरीदते हो मैटर करता है ब्रांड नहीं, सेलर कौन है मैटर करता है नहीं, सेलर से कोई लेना देना नहीं बायर को, बायर को भी कोई टेंशन नहीं, सेलर को भी कोई लेना देना नहीं बायर से, समझा? सब कुछ प्रोडक्ट पे डिपेंड है और सारे के सारे सेलर्स एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर ऐसा है तो उस मार्केट में जो कॉम्पिटिशन होगी उसे परफेक्ट कंपटीशन ये नाम दिया जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या याद रखना है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, इसीलिए ना बायर्स को सेलर्स से डरने की जरूरत है, सेलर भाव बढ़ाया ना तो सेलर को बोलने का ए भाई भाव मत का, दूसरे यहाँ पे हजारों सेलर्स, लिटरली लार्ज नंबर मतलब हजारों नहीं हंड्रेड ऑफ सेलर्स, समझा? तो एक सेलर भाव का है ना, अपने को भाव देने की जरूरत नहीं है, समझा? ठीक है, ये कोई आपकी एक्स नहीं है कि वो भाव भी कहेगी तो उसके पीछे पीछे भागोगे,
एक ने भाव खाया ना, उसको बोलेगा ये भाई तू किस बद का भाव खा रहा है या किस बद का भाव खा रही है, सो खड़े लाइन में, समझा? तो यहाँ पे सेलर्स भी बहुत ज्यादा है, बायर्स भी। अगर बायर भाव खा रहा है, आप सेलर हो, मैं बायर हूं, यस बच्चों प्लीज कॉल डीजे सर या प्लीज कॉल आईकैन का ऑफिस। आज लेक्चर मैंने दूसरी तीसरी बार बता दिया है, डीजे सर ने क्लियर अनाउंसमेंट किया है सीएसईईटी के ग्रुप में, अगर आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप में हो तो बच्चों वहां पे सर ने क्लियर अनाउंसमेंट किया कि आज उनका लेक्चर क्यों नहीं होगा, तो प्लीज एक बार ग्रुप पे वो अनाउंसमेंट सुन लो या फिर प्लीज ऑफिस में फोन करो, आपको पूरी क्लैरिटी ऑफिस में मिल जाएगी। सर लोग बिजी है आज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, कुछ तो गड़बड़ हुई है रिजल्ट में, सर इज नॉट हैप्पी विद दैट रिजल्ट, दैट इज व्हाई डीजे सर ने वो वीडियो भी डाला है, ठीक है? सो ऑब्वियसली सर को बुरा लगा आज के रिजल्ट की वजह से, इट्स नॉट बिकॉज पीपल हैव फेल्ड बट समथिंग हैज हैपेंड, वो वीडियो देखना है मुझे 30-40 सेकंड का, देख लेना जाके। तो अभी मत देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अपना तो ईईटी बाकी है। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बायर्स लार्ज नंबर होते हैं, सेलर्स ऑफ द मार्केट, ऑल द सेलर्स ऑफ द मार्केट आर स्मॉल सेलर्स इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन डजेंट रियली एग्जिस्ट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाई इट डजेंट एग्जिस्ट ये भी बताऊंगा, बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्लोजेस्ट एग्जाम्पल अंजलि बेटा हम क्या देख सकते हैं, वेजिटेबल मार्केट। क्या वेजिटेबल मार्केट का हम बोल सकते हैं इट इज द क्लोजेस्ट एग्जांपल टू परफेक्ट कंपटीशन? यस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्या बोला था, परफेक्ट कंपटीशन इज अ थियोरेटिकल कांसेप्ट, रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं होता है, किस कुछ रीजंस की वजह से बताता हूं। पहला रीजन एक बात समझो, ठीक है? सबसे पहले उन्होंने बोला है कि बहुत बायर्स होते हैं, बहुत सेलर्स होते हैं और हर एक सेलर छोटा होता है, इसलिए अगर एक आधा सेलर छोड़ के भी चला गया ना मार्केट तो सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो अगर 1000 सेलर्स है, हर एक के पास 10 यूनिट्स है, हर एक के पास 10 यूनिट्स है सेल करने के लिए। यस अंजलि, सोडा इंडस्ट्री परफेक्ट एग्जांपल, पेप्सी कोक या बेसिक सोडा, चलो अनफ्लेवर्ड सोडा उसमें आएगा, वेजिटेबल्स उसमें आ जाएगी। आपके पास और कोई अच्छा एग्जांपल होगा तो आप मुझे बता सकते हो। स्विगी जोमेटो को मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही मानता हूँ क्योंकि वो प्रोडक्ट सेम ही दे रहे, मेरी फेवरेट होटल से मुझे खाना डिलीवर कर रहे। एक बात बताओ बच्चों, 1000 सेलर है, हर एक के पास सिर्फ 10 यूनिट्स है, तो टोटल सप्लाई 10,000 यूनिट्स का है। एक बात समझो, एक आधा सेलर मार्केट छोड़ के भी चला गया ना, सप्लाई पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 9,990 यूनिट्स का सप्लाई बच जाएगा, समझा? यहाँ पे तो सेलर्स यहाँ पे प्राइस को ये नहीं, क्या बोलते हैं, अफेक्ट नहीं कर सकते। देर इज नो वन बिग सेलर विथ एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट, सो ऑल द फर्म्स इन सच अ मार्केट आर प्राइस टेकर्स, ये याद रखो। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बायर्स, सेलर स्मॉल होते हैं, and all firms are price taker. Can anyone tell me what do you mean by price taker? What do you mean by price taker? What do you mean by price taker? ओके, तो प्राइस टेकर का मतलब क्या है? ये एक सेलर है, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन की पासिंग परसेंट क्या है, कोई बताओ प्लीज। सीएस एस्पायरेंट बेटा गूगल कर लो, इजीली मिल जाएगा, या सर की वीडियो देख लो। अंजलि बेटा प्राइस टेकर, प्राइस इज नॉट डिसाइडेड बाय फर्म्स, परफेक्ट। प्राइस टेकर का सिंपल मीनिंग अंजलि ने बताया, विच इज राइट, ठीक है बेटा। एक सेलर है, एक सेलर ये इस मार्केट में एंटर करना चाहता है, जब ये मार्केट में एंटर करना चाहता है प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट, इसको ये प्राइस एक्सेप्ट करके अपने पास जितना सप्लाई है, इसके पास 80 यूनिट्स पड़े हुए हैं, इसके पास 80 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो ये जब मार्केट में घुसेगा इसे अपने सारे यूनिट्स 20 पे बेचने पड़ेंगे, जो भी मार्केट में प्राइस चालू है, जो भी मार्केट में प्राइस चालू है इसे वो उसे वही प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, समझा? यहाँ पे दैट इज द प्राइस टेकर। ये बंदा अपनी सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड कर सकता बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट है और बाकी 100 सेलर्स का जो प्रोडक्ट है इट इज वन एंड द सेम थिंग, इसका जो प्रोडक्ट है और बाकी सेलर्स का जो प्रोडक्ट है इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये अगर फ्लावर्स बेच रहा है और इसके पास जो रोजेज है सेम क्वालिटी के रोजेज इनके पास भी है, so he's not bringing in anything new, he will accept to accept whatever price is going on, okay? CA aspirant beta ek baat samjho, result aaj hi laga hai, iska analysis hoke iske updates aane mein thoda time lagega,
सीए के रिजल्ट्स जब लगते हैं ना तो होता क्या है, बहुत सारे होशियार लोग बैठे हैं जो एक घंटे दो घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और सीए इंस्टीट्यूट खुद ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन फटाफट पब्लिश करती है। आपकी इंस्टीट्यूट मतलब ये सीएस इंस्टीट्यूट थोड़ा सा टाइम लेती है, तो आज का एक दिन रुक जाइए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तो दो चार घंटे पहले रिजल्ट लगा है बेटा, ओके, तो थोड़ा एनालिसिस होने में उसका टाइम लग ही जाएगा, ओके। सो बी पेशेंट, यू विल कम टू नो दोनों ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, और दोनों ग्रुप कितने लोग पास हुए हैं सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो सर्टन अजम्पशंस है यहाँ पे, और इनकी वजह से ही, ये जो अजम्पशंस है बच्चों, इनकी वजह से ही ऐसा मार्केट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। पहला इनका बोलना है, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, दैट इज कंप्लीटली आइडेंटिकल। अब एक बात समझो, वेजिटेबल मार्केट में मैं जाता हूं, प्लीज ध्यान दो, प्राइस टेकर का मीनिंग समझ गया नहीं, दैट्स वाई सीए इज बेटर देन सीएस। ये बहुत गलत फहमी है तुम्हारी, दोनों के रोल्स अलग होते हैं बच्चों। जैसे मेरे घर में मैं हूं और मेरी बहन है, हम दोनों की जरूरत है, हम दोनों की घर जरूरत अलग अलग रीजंस के लिए मेरे घर वालों को पड़ती है, और उसकी भी और मेरी भी, समझा। सो सीए अपनी जगह पे सही है, आई माई सेल्फ एम अ सीए, एंड बीइंग अ सीए आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्रोफेशन इन द सेम मैनर। सो सीएस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, बट योर वर्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन वॉट अ सीए डज। सो कंपेयरिंग दीज टू इज नॉट लॉजिकली करेक्ट, क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास भी जाओगे तो हड्डी का डॉक्टर और आंखों के डॉक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हो, समझा। ये अलग चीज पे ध्यान देगा, ये अलग चीज पे ध्यान देगा, ओके। सो रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन इन द सेम मैनर, यू विल गेट बैक द सेम रिस्पेक्ट, ओके। पहला, सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होने चाहिए। अब मैं मार्केट में लेके आ गया रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस, मैं मार्केट में लेके आ गया रोजेस, और हमारे अतुल जी जो है, अतुल जी भी मार्केट में रोजेस लेके आ गए, बट वो लेके आ गए डच रोजेस, एक ब्रांड होता है, ब्रांड मतलब एक क्वालिटी होती है रोजेस में, डच रोजेस। मेरे है इंडियन रोजेस नॉर्मल, ठीक है, और अतुल जी लेके आ गए डच रोजेस। अब ऐसे केस में मैं अगर एक रोज 20 रुपीज में बेच रहा हूं, तो अतुल जी ने अगर 30 रुपीज चार्ज करना स्टार्ट किया, अरे नहीं यार, सी एस्पायरेंट डोंट से सॉरी, यू आर नॉट रॉन्ग, ये सब चीजें आपके दिमाग में भरी जाती है ना, इसीलिए आपको ऐसा सब होता है। आप बच्चे मतलब आप छोटे हो, आप पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे ये सब चीजें प्रोफेशनलिज्म अंदर से आने लग जाएगा। प्लीज डोंट से सॉरी एनी ऑफ यू, मुझे नहीं अच्छा लगता आप लोग सॉरी बोलते हो तो, ठीक है, क्यूरियोसिटी होना सही है, ठीक है, बट अगर आपको कोई भड़का रहा है, कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है, तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो, मैं यही बोल रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो मस्त, ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, ये समझ के आगे बढ़ने का रहता हमेशा, ओके, अपने आप के लिए। प्लीज डोंट से सॉरी, आई एम नॉट अनॉयड विद यू एट ऑल, एंड इट्स ओके, ठीक है, चलो। सो बच्चों, अतुल जी 30 रुपीज में रोज बेच रहे, मैं 20 रुपए में बेच रहा हूँ। एक बात बताओ, आप में से कोई हम लोगों के पास रोज खरीदने आया, मैं रोज बेच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 20 रुपए, अतुल रोज बेच रहा है, अतुल बोल रहा है 30 रुपए, आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, मारवाड़ी नहीं, आप कौन हो, रैशनल कंज्यूमर, हम मारवाड़ी भाई, हम भी रैशनल कंज्यूमर है, हमी ने सिखाया रैशनल कंज्यूमर वाला कंसेप्ट, समझा यहाँ पे, ठीक है। सो बेटा, हम मतलब सॉरी तुम लोग मेरे पास, हम रोज खरीदने आए, मैं बैठा हूं, अतुल बैठा है, आप बोल रहे हो अरे अतुल तेरे में किस बात का एटीट्यूड, तेरा रोज 10 रुपए महंगा क्यों है, क्या ना अतुल जस्टिफाई, यस अतुल बोलेगा अरे सर के रोज भी अच्छे है, बट मेरे रोज डच रोजेस है, तो थोड़े बेटर है, थोड़े मोटे है, थोड़ी अच्छी स्मेल है। तो ऐसे केस में कंज्यूमर के पास डिसाइड करने के लिए ऑप्शन है, 10 रुपए ज्यादा दे के अच्छी स्मेल वाला रोज ले या ना ले। अगर ऐसा होगा तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो नहीं सकती, बट अतुल जी भी अगर इंडियन रोजेस लेके आ जाते हैं, अगर अतुल ने भी इंडियन रोजेस ही लाए हैं, तब हमारे बीच में परफेक्ट कंपटीशन होगा। अब अतुल अगर इसके 25 रुपीज चार्ज करता है, कोई भी सेलर अतुल के पास जाके बोलेगा भाई तू 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, क्या अतुल के पास इसका कोई जवाब है कि वो 5 रुपए क्यों ले रहा है, नहीं, समझा। तो उसको उसको चुपचाप अपनी प्राइसेस को गिरा के 20 रुपए जो चालू है मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस चालू है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्राइस टेकर सर आपसे परचेस करेगा तब भी, यस ओके, नहीं नहीं, कुछ लोग अगर डच रोजेस होंगे तो कुछ लोग दे देते बेटा एक्स्ट्रा पैसे, उनकी गर्लफ्रेंड उनको ज्यादा प्यारी होती है कि नहीं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को मैं डच रोज ही देगा भाई, समझा, मेरी वाली स्पेशल है तो मैं उसको डच रोज देगा, ठीक है, तू तेरी वाली को इंडियन रोज दे दे, ओके। तो अगर आप डच रोज भेज रहे हो तो कुछ लोग 30 रुपीज वाला रोज ले लेंगे, क्योंकि उनको लगता है मैं ज्यादा महंगी चीज लूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा खुश होगी, दैट इज रॉन्ग, समझा। आपकी गर्लफ्रेंड तभी खुश होगी जब आप उससे प्यार करोगे, उसको कुछ दो मत दो, ठीक है। नेक्स्ट,
दूसरे की गर्लफ्रेंड भी तभी प्यार करेगी जब आप उसको प्यार दो, समझा? यहाँ पे किसकी भी गर्लफ्रेंड से प्यार करोगे तो ही वो आपसे प्यार करेगी। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, ऑल फर्म्स ओनली हैव प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है, यहाँ पे जब कोई सेलर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के इरादे से आता है। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो बेचेगा, नहीं हो रहा है तो वो निकल जाएगा। बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। कभी कभी सेलर्स मार्केट में आते हैं और प्रॉफिट वॉफिट तो कमाने के लिए आते हैं, बट धीरे धीरे उन्हें पता चलता है यार मेरा स्टॉक बिक नहीं रहा, इसे घर पे लेके जाने से अच्छा जो भाव बिक रहा है बेच देते हैं, समझा? आप कभी वेजिटेबल मार्केट में जाना बच्चों, मैं पुणे में जब फ्रेंड्स के साथ रहता था, हम लोग वेजिटेबल्स खरीदने के लिए पूरे हम लोग 4-5 लोग मिलकर रहते थे, तो हमें वेजिटेबल्स खरीदने पड़ते थे। हम वेजिटेबल खरीदने जब जाते थे ना बच्चों, दिन में जाओ तो वही सब्जी 30 रुपीज पर केजी, रात में जाओ तो वही सब्जी 10 रुपए पर केजी, क्योंकि उस सेलर को बेचारे को घर जाना है तो वैसे ही बेच के चला जाएगा। इसका मतलब उन्होंने बोला है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे सेलर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए आ रहा है, तो अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो निकल जाएगा। सर प्रॉफिट क्यों नहीं होगा उसको? ध्यान दो इधर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलर इज द प्राइस टेकर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलर इज द प्राइस टेकर। मार्केट में सेलिंग प्राइस चालू है, मार्केट में सेलिंग प्राइस चालू है 20 रुपीज पर यूनिट। मार्केट में सेलिंग प्राइस चालू है 20 रुपीज पर यूनिट, और ये जो एक सेलर है इसकी कॉस्ट प्राइस है 18 रुपीज पर यूनिट, तो ये बेचेगा गुड्स। एक और सेलर आया, सेलर टू, इसने मार्केट में प्राइस देखी 20 रुपीज पर केजी, इसका कॉस्ट प्राइस है 21 रुपीज पर यूनिट। तो मुझे बताओ, क्या इस सेलर को ऐसे मार्केट में प्रॉफिट होने वाला है? क्या सेलर टू को ऐसे मार्केट में प्रॉफिट होने वाला है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन ना, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। ये भी बेच रहा है वेजिटेबल्स, ये भी बेच रहा है वेजिटेबल्स, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, सेम वेजिटेबल्स। क्या सेलर टू को इस मार्केट में प्रॉफिट होगा? बच्चो क्या सेलर टू को इस मार्केट में प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, पक्का? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है मतलब प्रोडक्ट्स उनके होमोजीनियस है। अब इनका बोलना है कि अगर इसमें कोई सेलर आता है तो वो सेलर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आया है। अब सेलर टू को तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो क्या सेलर टू ने क्या सेलर इस मार्केट में बेचेगा सेलर टू? ये लोग बोल रहे हैं नहीं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इसीलिए अजम्पशंस गलत है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता सोचो, सेलर टू अगर सेल कर दे तो लॉस हो रहा है 1 पर केजी या 1 पर यूनिट, बट वही अगर वो रिटर्न लेके जाए अपने घर, रिटर्न लेके जाने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा लग जाएगा 5 रुपीज पर यूनिट। घर लेके जाना है तो 5 रुपए का नुकसान, बेच दो तो 1 रुपए का नुकसान। क्या करेगा वो, घर लेके जाएगा या बेचेगा? अगर ट्रांसपोर्ट में नुकसान नहीं होता तो बात और है, बट अगर ट्रांसपोर्ट में उसका मेन लॉस से ज्यादा लॉस हो रहा है तो क्या करेगा, घर लेके जाएगा? विल ही सेल इट और विल ही टेक इट बैक? विल ही सेल इट और विल ही टेक इट बैक? He should sell it, क्योंकि सेल करने से कम लॉस हो रहा है उसका, मतलब यहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी ऐसे मार्केट में वो 20 रुपए पे बेच के जा रहा है, इवन दो यस मिहिर वेरी गुड, वो बेचेगा, समझा? यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सेलर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बेचता है, उसे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो निकल जाएगा। बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, इसीलिए ये अजम्पशन भी थोड़ा गलत है, गलत नहीं है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा वाला और इंपॉर्टेंट है, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, मतलब नो बैरियर्स। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब क्या? ये वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है, मैं एक सेलर हूं, जब मेरा मन किया मैं इस मार्केट में अपना ठेला लगा के बैठ गया,
जब मेरा मन किया मैंने अपना टेला बंद किया और यहां से निकल गया. इज इट दैट इजी? इज इट दैट इजी इन रियल लाइफ? वेजिटेबल सेलर्स भी देख लो, वेजिटेबल सेलर्स आर द क्लोजेस्ट एग्जांपल टू परफेक्ट कंपटीशन वेजिटेबल मार्केट. ओके, बट ऐसा नहीं होता. वेजिटेबल मार्केट में आपकी जगह होती है. ऐसा नहीं कि जब मन किया आप यहाँ पे दुकान डाल के वेजिटेबल्स बेचने लग गए और जब मन किया आप दुकान बंद करके चले गए. ऐसा रियल में नहीं होने वाला. समझ लो खा एवरीवन, समझा? तो तीसरा अजम्पशन क्या था कि जब चाहे कोई भी सेलर एंटर कर सकता है, जब चाहे कोई भी सेलर एग्जिट कर सकता है. एंड लास्ट कंसेप्ट ये एग्जिस्ट, ये भी बोलते हैं देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस. कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन से सेलर से बाय कर रहा है. मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे कोई इजी इफ कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट. इट इज इजी, अग्रीड अंजलि, यू आर सेइंग कि ऐसे मार्केट में इट इज इजी. ये लोग बोल रहे इट शुड बी फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब पैसे क्या बात नहीं कर रहे लोग. फ्री मतलब जब सेलर चाहे दुकान डाल देगा, जब भी चाहे उसे जगह मिल जाएगी वो दुकान डाल के बैठ जाएगा. जब उसको लगता है कि नहीं मुझे इस मार्केट में अब नहीं बेचना, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो निकल जाएगा. उसे जाने भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता. एग्जिट भी इतना इजी नहीं होता और एंट्री भी फ्री कहीं नहीं होता. इजी भी होगा तो भी फ्री नहीं होगा. बट यस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एंट्री एंड एग्जिट इजी जरूर है. मैं भी कल चल के अगर ठेला डालने की सोच दू वेजिटेबल मार्केट में तो मैं डाल सकता हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है. हाँ, अगर मैं एक बड़ी फैक्ट्री डालना चाहता हूँ तो मुझे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करो कंपनी बनाने के लिए, फिर फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर करो फैक्ट्री बनाने के, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, वो मुश्किल है. बट वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल बेचना आसान है. एंड लास्ट वन, देयर इज नो कंज्यूमर प्रेफरेंस. इनका बोलना है कि अगर सेलर वन वो प्रोडक्ट बेच रहा है और सेलर टू भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है, द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस. द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस. तो सेलर वन का ऐसा कुछ नहीं, सॉरी, कंज्यूमर सेलर वन को पहचानता है, सेलर टू को नहीं पहचानता है. ठीक है, बट इनका बोलना है कि कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है कि वो सेलर वन से बाय कर रहा है या सेलर टू से बाय कर रहा है. कंज्यूमर की कोई प्रेफरेंसेस नहीं है. कंज्यूमर सिर्फ एक ही चीज चाहता है, प्रोडक्ट. और वो प्रोडक्ट उसको जहां पे भी लोएस्ट कॉस्ट पे मिलेगा कंज्यूमर वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा. देर आर नो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. इसका एक और रीजन है बच्चों, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इसीलिए भी नहीं होते क्योंकि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है. बच्चों जब होमोजीनियस है, आपको केला खरीदना है, मैटर करते हैं क्या कौन से केले वाले से खरीद रहे हो? केला खरीदना है सर, मार्केट में चले गए, जिसके पास भी केला हम खरीद लेंगे उसे केला. समझा? कंज्यूमर के यहाँ पे ब्रांड चॉइसेस नहीं होते, सेलर के चॉइसेस नहीं होते, ऐसा ही मार्केट होता है. तो वंस अगेन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है. सेलर्स आर प्राइस टेकर्स. सेलर्स आर प्राइस टेकर्स मतलब मार्केट में जो भाव चालू है सेलर्स गपचुप लेके निकल जाएंगे. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कुछ अजम्पशंस लिए हमने. पहला अजम्पशन हमारा अजम्पशन है, मतलब ये रियल होगी नहीं हो, हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा होने वाला है. हम पहला अजम्पशन ले रहे हैं प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सारे सेलर्स के पास सेम प्रोडक्ट है. सारी फर्म्स जो मार्केट में आ रही है, सारे सेलर्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने आ रहे हैं. ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होता रियल लाइफ में. इन्होंने बोला देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब एग्जिट नहीं, एग्जिट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब नो बैरियर्स टू एंट्री. ऐसा नहीं होता बच्चों. वेजिटेबल मार्केट में बैठने के लिए भी एक बेसिक परमिशन लेनी पड़ती है. रोड पे घूमने के लिए नहीं लगती आपको. रोड पे आप ठेला लेके घूम रहे हो वेजिटेबल्स का तो कुछ नहीं, बट वेजिटेबल मार्केट में बैठने के लिए उनकी कमेटी होती है, उनसे आपको परमिशन तो बेसिक लेनी पड़ती है. समझा? एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस. ऐसा मार्केट जहाँ पे कंज्यूमर्स को कोई चॉइसेस नहीं है लेनी. कंज्यूमर चॉइसेस के बारे में सोचता नहीं है कि मैं इसका लूँ या उसका लूँ. कंज्यूमर बोलते हैं मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, सस्ता मिलेगा ना, सबके पास सेम प्रोडक्ट है तो जो सस्ता देगा मैं उससे लूंगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. वैसे चैप्टर बहुत छोटा है ये, अब ज्यादा नहीं बचा है. ठीक है, हम लोग थोड़ा अभी स्पीड पकड़ते हैं. चलो, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. बच्चों मोनोपोली का मतलब होता है वन सिंगल सेलर. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा अलग है. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है और ये हमें रियल वर्ल्ड में देखनी पड़ेगी. यहाँ पे सेलर्स तो लार्ज नंबर है, बायर्स भी लार्ज नंबर है, बट प्रोडक्ट्स होमोजीनियस नहीं है. इसकी वजह से क्या होता है, देखो सेलर्स भी लार्ज नंबर है, बायर्स भी लार्ज नंबर है, बट ऐसे केस में यहां पे प्रोडक्ट्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन जरूर है. इसीलिए यहां पे क्या होता है, प्लीज ध्यान दो, यहां पे क्या होता है, ये है सेलर वन, ये है सेलर टू. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये इसके पास रोज है फ्रेंच रोज, इसके पास रोज है डच रोज. ये रियल लाइफ सिचुएशन होगी. इसीलिए अगर इसके रोज की प्राइस है 30 रुपीज पर केजी पर रोज,
इसके रोज की प्राइस है 30 पर रोज और इसके रोज की प्राइस है 45 पर रोज। प्लीज ध्यान दो, प्लीज प्लीज प्लीज। कंज्यूमर, एक कंज्यूमर आया, कंज्यूमर वन, वो बोला यार ठीक है मुझको वो ये रोज पसंद है मैं ये ले लूंगा। एक कंज्यूमर आया कंज्यूमर टू, वो बोलता है मैं इससे रोज खरीदूंगा। अब हम कंज्यूमर टू को बोल रहे, अरे तू तो बेवकूफ है, तूने महंगा रोज लिया, बट अगर उसने महंगा भी लिया है तो कुछ अलग भी लिया है। सो वी कैन जस्टिफाई कि व्हाई दिस पर्सन इज पेइंग मोर। यस अतुल जी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सोप इंडस्ट्री, फोन इंडस्ट्री, मेनी मोर। परफेक्ट अंजलि बेटा, क्योंकि इन्होंने बोला ये मोर रियलिस्टिक सिचुएशन है। सोप का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज अंजलि ने नाम ही ले लिया। बेटा एक जन यूज करता है डव, एक जन यूज करता है पेयर्स, एक जन यूज करता है डेटॉल, ठीक है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हर एक की प्राइसेस अलग है, बट कुछ लोगों का, कुछ कंज्यूमर्स जो है उनका इसके साथ लगाव है कि नहीं यार हमें डव का सोप ही सूट करता है, कुछ कंज्यूमर्स का इसके साथ लगाव है हमें पेयर्स का सोप सूट करता है, कुछ कंज्यूमर्स का इसके साथ लगाव है हमें डेटॉल का सोप सूट करता है। तो भले ही डव अगर 40 रुपीज का है, पेयर्स 35 रुपीज का है और ये 30 रुपीज का है, इसको भी बाय करने वाले लोग हैं, इसको भी बाय करने वाले लोग हैं और इसको भी। जो लोग 30 रुपए में एक साबुन मिल रहा है फिर भी जाके 40 रुपए का एक साबुन खरीद रहे, 30 रुपीज का सोप मिलने के बावजूद इफ समवन इज गोइंग एंड बाइंग अ 40 रुपीज का डव, देन वी कैन नॉट से ही इज इरेशनल इन दिस केस बिकॉज ही हैज अ रीजन टू प्रूव दैट व्हाई ही इज पेइंग 10 रुपीज मोर। समझा यहाँ पे? तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे बायर्स बहुत ज्यादा है, सेलर्स भी बहुत ज्यादा है, बट हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से थोड़ा अलग है। पानीपुरी का एग्जांपल ले लो, गर्ल्स को पूछ लेना, आपकी बहन को पूछ लो, आपकी गर्लफ्रेंड होगी या किसी और की गर्लफ्रेंड होगी उसको पूछ लो। बॉयज में भी कुछ लोगों को पानीपुरी पसंद है, ठीक है। अगर किसी लड़की को पूछ लो यार पानीपुरी खाने कहाँ जाना है, तो चार अलग लड़कियां हो सकता है, चार अलग नाम दे दे, और आप बोलोगे यार उसमें फर्क क्या है, पूरी में पानी तो डाल के देने वाला है, वो बोलते नहीं समझेगा तुझे, समझा। दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पानी पूरी बेचने वाले इतने हैं, बट हर एक कंज्यूमर का एक प्रेफरेंस है कि मुझे इसका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसका पानी पूरी शायद तीखा है तो मुझे ये पसंद है, किसको तीखा पसंद है वो बोलेगा उसका पानी पूरी मीठा है मुझे वो पसंद है, वैसा। सो नाउ द कंज्यूमर्स हैव प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। यहाँ पे कुछ तो है इस प्रोडक्ट में जो उस प्रोडक्ट में नहीं, तेरे में कुछ बात है यार जो उसमें नहीं है, इसीलिए तो मुझे तू पसंद है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, हमारा बेचारा ए बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और गर्लफ्रेंड आज मस्त उसकी मजे लेने के मूड में है। गर्लफ्रेंड बोलती है यार मेरे पहले जो तेरी गर्लफ्रेंड थी तेरे को वो क्यों नहीं अच्छी लगती, तूने उससे क्यों ब्रेकअप किया? ये क्या बोलता है, तुझमें कुछ बात है यार जो उसमें नहीं थी। समझा? दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, हर एक में कुछ अलग दिखता है हमें। बायर जो होता है बायर, उसको हर एक सेलर में कुछ ना कुछ अलग नजर आता है या हर एक प्रोडक्ट में वो बता सकता है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या अच्छा है जिसके लिए वो उस प्रोडक्ट को चूज कर रहा है। समझा? द सेलर्स कैन ऑल्सो चार्ज अ मार्जिनली हायर प्राइस, इसीलिए जब मुझे पता है, एक एग्जाम्पल देता हूं एक और, मैं इडली सांबर बेच रहा हूं आप इडली सांबर बेच रहे हो, ठीक है, मैं इडली सांबर बेच रहा हूं आप इडली सांबर बेच रहे हो, मेरे इडली सांबर को बेचते वक्त लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ चुकी है कि सर जो इडली सांबर बेचते हैं उसका टेस्ट अच्छा है, इसीलिए आपका इडली सांबर कम खा रहे लोग मेरा ज्यादा खा रहे, और ये मुझे नजर आ रहा है। जिस दिन मुझे समझ गया कि मेरा इडली सांबर का डिमांड आपके इडली सांबर से जास्ती आ है ज्यादा, उस दिन मैं क्या करूंगा पता है क्या, आपका और मेरा इडली सांबर का प्राइस 20 रुपीज पर प्लेट था, मेरा 20 रुपीज पर प्लेट, आपका 20 रुपीज पर प्लेट। मुझे दिख रहा है कि मैं अगर 5 रुपए ऊपर भी ली तो कुछ कंज्यूमर्स मेरे पास ही आएंगे क्योंकि उनको मेरे इडली सांबर का टेस्ट आपके इडली सांबर के टेस्ट से ज्यादा लग रहा है, तो मैं 25 रुपीज चार्ज करूंगा फॉर द सेम प्लेट ऑफ इडली सांबर बिकॉज आई हैव अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो मैं मार्जिन बहुत नहीं, मैं 100 रुपए चार्ज, आप 20 रुपए चार्ज कर रहे हो मेरी इडली सांबर के लिए, मैं 100 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे यार सर को तो अलग ही भाव चढ़ गया, इनको लग रहा है इनका इडली चांद पे से आया है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं 100 रुपए चार्ज करूंगा तो कोई नहीं आएगा, 5 रुपए चार्ज करूंगा तो, यस अंजलि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बेटा, बट मेरी इडली चांद से तो नहीं आया तो मैं क्या 100 रुपए चार्ज कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्या मैं मार्जिनली थोड़ा बहुत हाई चार्ज कर सकता हूँ? सर बस गर्लफ्रेंड के बारे में बात करके मूड बना रहे हो क्या? भाई साहब कौन सा मूड बनाना है तुमको, CSET सर पे अपने, समझा है यहाँ पे? मैं तुम्हारी एक्स के बारे में भी तो बात कर रहा था मूड खराब करने के लिए तुम्हारा, कोई मूड मत बनाओ प्लीज गंदे बच्चो, यहाँ पे ध्यान दो अभी सिर्फ एक मूड बनाओ पढ़ने का, ओके? मेरे को शर्म आ जाती है यार, ऐसी बातें मत करो प्लीज, ओके?
Give me a minute. Okay, chalo. Marginally higher price. So, the seller becomes the price setter. Yahan pe ek important cheez humne padhi. Ab mujhe batao, perfect competition aur monopolistic competition mein kya difference hai? भाई साहब तुम दोनों का मूड बना क्या हो गया रहेगा, मेरे को आंसर दो. परफेक्ट कंपटीशन आई नो इट्स ओके मीर, मैं भी मजाक कर रहा हूं, बट परफेक्ट कंपटीशन में सेलर प्राइस टेकर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर इज प्राइस सेटर. अरे मैंने सेट की ना, मेरे इडली का भाव आपके इडली से ज्यादा सेट कर सकता हूं, मैं एक हायर प्राइस डिमांड कर सकता हूं क्योंकि मेरे इडली सांभर की वैल्यू थोड़ी जास्ती है, डिमांड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि लोगों को मेरे इडली सांभर में कुछ अलग नजर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर सीरियल्स, सीरियल वीरियल अपने को नहीं समझता बच्चों. इन मोनोपोलिस्टिक फर्म्स डिसाइड द प्राइस एंड इन परफेक्ट वाइस वर्सा. परफेक्ट अंजलि बेटा, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्ट. और एक डिफरेंस बताओ मुझे परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक में. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, मैं और आप सेलर है, हम दोनों के प्रोडक्ट्स कैसे होंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये डिफरेंशिएशन ही ढूंढ रहा हूं मैं. परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, सभी सेलर्स के प्रोडक्ट एक जैसे है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड. हेटरोजीनियस नहीं बोल रहा हूं मैं हेटरोजीनियस नहीं बोल रहा हूं. हेटरोजीनियस मतलब आपका और मेरा प्रोडक्ट कंप्लीटली अलग है, कुछ कंपेयर भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. इडली आपके पास भी है, मेरे पास भी है, व्हाइट आपकी भी है, मेरी भी है, सिर्फ टेस्ट सांबर का आपका अलग और मेरा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस समझा. यहाँ पे मार्केट फॉर सीरियल्स, ये अच्छे अच्छे एग्जांपल देते हैं बच्चों क्योंकि इंस्टीट्यूट है, इनको इनका डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट समझा. आप सीएसईटी में, इसलिए मैं भी ये बातें करता हूँ, एग्जीक्यूटिव में ये बातें नहीं करूंगा मैं इतनी भी कैजुअली, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हम भी थोड़े सीरियस हो जाएंगे. सीरियल्स मतलब वो सुबह कॉन्फ्लेक्स जो हम खाते हैं ना, हमारे यहाँ पे सुबह का नाश्ता इज नेवर अ कॉन्फ्लेक्स समझा. चपाती वपाती कुछ भी मम्मी खिलाती होगी, पोहे इडली उपमा आई डोंट नो, बट हम लोग सीरियल नहीं खाते. बट अगर आप सीरियल्स अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो सीरियल खाते हैं. अब सीरियल्स बच्चों को खिलाई जाती है सुबह ब्रेकफास्ट में स्कूल जाने के पहले, और फॉरेनर्स तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स है सीरियल्स के, और हर एक पेरेंट की एक अपनी चॉइस है कि मुझे यही ब्रांड का पसंद है, भले ही वो महंगा हो सस्ता हो मैं इसी से खरीदूंगा. सो द प्रोडक्ट्स आर ऑल सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंशिएटेड इन टेस्ट एंड फ्लेवर समझा. टूथपेस्ट भी इसका एग्जाम्पल है. आपके टूथपेस्ट में नमक है, मेरे इसमें दालचीनी है, किसी के इसमें वड़ा सांभर है, मुझे क्या लेना देना है, जिसके टूथपेस्ट में जो है मेरे को जो चाहिए टूथपेस्ट में समझा. तो थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंस होता है, यूजलेस सारी टूथपेस्ट होती है. यूजलेस मतलब क्या ही फर्क पड़ता था कौन सी भी टूथपेस्ट यूज की. तो आप कहीं घूमने चले जाते हो, किसी के घर चले जाते हो, जो मिलती है वो टूथपेस्ट यूज ही करते हो, बट टूथपेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जरूर है. नेक्स्ट वी विल कम टू ओलिगोपॉली. अब ओलिगोपॉली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस ये है, ओलिगोपॉली में बहुत कम उंगलियों पे गिनने जितने सेलर्स है उस प्रोडक्ट के. इन ओलिगोपॉली देर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स इन द मार्केट. एंड वाइल देर इज नो क्लैरिटी अबाउट द नंबर, बट जनरली देर आर 3 to 5 डोमिनेंट वन. क्या बोला इन्होंने, ओलिगोपॉली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 या 5 ही फर्म्स होंगी, बहुत फर्म्स, बट हमें नाम 4-5 के ही याद होंगे. समझा कि नहीं समझा, ठीक है. 4-5 बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, ठीक है. वड़ा सांबर टूथपेस्ट में छी लगा ना, तो बेटा नमक और दालचीनी और कुछ भी डालते वो भी तो छी है ना समझा. बेसिक व्हाइट कलर का क्यों नहीं बेचते लोग, ठीक है समझा. सो ठीक है, 3 to 5 डोमिनेंट फर्म्स. So in the case of an oligopoly, buyers are far greater than sellers. Example दे सकते हो कोई oligopoly का, कोई भी product जिसमें oligopoly है. ओलिगोपॉली का एक एग्जाम्पल ले लो. अगर मुझे टेलीविजन खरीदना है, टेलीविजन खरीदने के लिए वैसे ना बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, बट कुछ ही गिने चुने ब्रांड्स हैं जैसे सैमसंग, एलजी, मतलब एलजी, आई नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, एलजी, सोनी और एक दूसरा टीवी ब्रांड होगा.
ठीक है, अगर मैं सिम कार्ड्स की बात करूं, मोबाइल नेटवर्क्स, अगर आयुर्वेदिक का नाम के नाम में कुछ भी मिला देते हैं, हाँ ऑब्वियसली यस अंजलि बेटा, यस टेलीकॉम, वही सिम कार्ड बेचने वाली कंपनीज, दैट इज टेलीकॉम। टेलीकॉम इंडिया का बहुत, मतलब इंडिया का बहुत ऑलिगोपोलिस्टिक सेक्टर है। टेलीकॉम में एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन है, जियो है, और BSNL, और कुछ स्टेट्स में MTNL होगा BSNL की जगह पे, ये गवर्नमेंट वाला है। समझाया पे, समझ ला इत पर्यंत ऑल ऑफ यू? तो ये है ऑलिगोपॉली वाली सिचुएशन। ऑलिगोपॉली में टीवी बेचने वाली बहुत कंपनीज है बच्चों, ऐसे मत बोलना, समझो कि सिर्फ चार ही कंपनीज या पांच ही कंपनीज है टीवी बेचने के लिए। TCL नाम का कंपनी है, तोशीबा है, MI भी अभी टीवी बेचना गया, OnePlus भी टीवी बेचता है। बट आपके घर वालों को अगर टीवी खरीदने का डिसीजन लेना होगा ना, वो OnePlus का टीवी नहीं लेंगे, MI का टीवी नहीं लेंगे। यही तीन चार ब्रांड्स हैं जिनका टीवी उठा के लाएंगे, क्योंकि उनको उसी पे भरोसा है। कार बेचने वाली कंपनीज ले लो, कार बेचने वाली कंपनीज दिखने में बहुत होगी बट डोमिनेंट कुछ है इंडिया में, मारुति, टाटा, ह्यूंडई, और अभी किया आ गया है, और MG, तीन पांच छह कंपनीज है जो कार बेचने में बहुत आगे है। बाइक्स का भी सेम। सो दीज आर, यहाँ पे बायर्स बहुत है, सेलर को डरने की जरूरत नहीं है। समझा, यहाँ पे सेलर को डरने की जरूरत नहीं है। द फर्म इन दिस केस ईदर कम्पीट विद अनदर और कोलैबोरेट। फर्म्स के पास एक ही ऑप्शन है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करके कंपटीशन बढ़ाओ, या एक दूसरे से हाथ मिला के कंपटीशन को कम करने की कोशिश करो। आइडिया वोडाफोन ने वही किया था। जैसे ही मार्केट में जियो ने पैर रखा, जियो ने पैर रखते ही एयरटेल को भी नुकसान पहुंचा, आइडिया वोडाफोन को भी। मतलब सोचो आप, जब जियो लॉन्च हुआ था, एयरटेल और आइडिया लोगों के घर जा जा के बोल रहे थे कि सर हमारा सिम कार्ड लो, और लोग जियो के बाहर लाइन लगा रहे पागलों की जैसे। समझा, यहाँ पे मैंने लिटरली देखा है, लोग जियो के बाहर लाइन लगा के खरीद रहे थे। समझा, यहाँ पे तो जियो जैसे एंटर हुआ, तीन मेन्स देखो, जियो के आने के पहले आइडिया अलग था और वोडाफोन अलग था। जैसे ही जियो आया, इन दोनों की वाट लग गई, इनके सब्सक्राइब देखो। फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया, यार देखो सिचुएशन ऐसी है कि रह भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते। ऑलिगोपॉली में ये जो थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं ना, ये फर्म बंद भी नहीं कर सकते। लॉस हो भी रहा है तो भी फर्म बंद नहीं कर सकते, इतने बुरे सिचुएशन इनकी। तो फर्म बंद करना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, इन्होंने एयरटेल को पूछा, एयरटेल ने बोला मेरे को तुम गरीबों की जरूरत नहीं, एयरटेल अच्छा कमाता है, एयरटेल अभी रिसेंटली नंबर वन था हमारे कंट्री पे। तो आइडिया वोडाफोन ने हाथ मिला लिया सर्वाइव करने के लिए। दे यूज देयर मार्केट इन्फ्लुएंस टू सेटअप द प्राइसेस एंड इन टर्न मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, सो द कंज्यूमर बिकम्स प्राइस टेकर्स। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस टेकर बन जाएंगे। इन एन ऑलिगोपॉली देर आर वेरियस बैरियर्स टू एंट्री। इतना आसान नहीं है इस मार्केट में एंटर करना, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में तो भी आप एंटर कर जाओ। समझा, जैसे चाय वाले ले लो, पानी पूरी बेचने वाले, स्वीट्स बेचने वाले, अगर आप सब महाराष्ट्र से, जितने लोग महाराष्ट्र से, उन्होंने देखा होगा कि महाराष्ट्र में हर जगह चाय की दुकान ही दुकान खोल रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कोई भी ये बिजनेस खोल सकता है। बट कार बेचने वाली, टेलीकॉम इंडस्ट्री में मिस्टर रतन टाटा, टाटा ग्रुप, टाटा डोकोमो चला रहा था, बंद कर दिया। बड़े बड़े लोगों को परवड़ता नहीं है ये करना। टीवी का ले लो, सैमसंग, LG, सोनी, और एक का दूसरा ब्रांड होगा। इसके अलावा ऐसे मार्केट में कोई जल्दी घुसता भी नहीं है। फिर आते हैं हमारे फेवरेट पे, मोनोपोली। हमारे देश में मोनोपोली करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट। पहले हुआ करता था हमारे देश में, कुछ बड़े बिजनेसेस की बहुत ज्यादा मोनोपोली हुआ करती थी, बट अब हमारे देश में एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट किसी को मोनोपोली करना अलाउड नहीं है। इसीलिए हमारे देश ने किया भी है, रेलवेज में हमारे कंट्री की पूरी मोनोपोली है। हाँ, रेलवे की केटरिंग वेटरिंग में अभी वो प्राइवेटाइज कर दिया है उन्होंने, बट रेलवेज पूरी तरह से मोनोपोलिस्टिक हो चुके हैं। समझा कि नहीं, समझ, मोनोपोली है। समझा, सो मोनोपोली में मार्केट स्ट्रक्चर में देयर इज ओनली वन सेलर, सिंगल फर्म, पूरा मार्केट उनके पास है, इसीलिए दे कैन सेट एनी प्राइसेस दे विश। समझा, कंज्यूमर्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मम्मी पापा, आपके जिंदगी में जिनकी मोनोपोली है, मम्मी पापा, टेक इट और लीव इट सिचुएशन होता है। समझा, घर वालों ने बोला ये चाहिए, हाँ या ना, हाँ तो रख ले, ना तो गेट लॉस्ट, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपने बोला मम्मी पापा हम CSET पास हो गए तो हमें क्या मिलेगा, मम्मी ने बोला बेटा मैं तुझे गाल पे पप्पी दे दूंगी, पापा ने बोला मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, आपने बोला अरे यही तो चाहिए था हमें, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे भाव नहीं कर सकते, यहाँ पे जो मिल रहा है देखो कितना महंगा पड़ा आपको वो आशीर्वाद, मेहनत करनी पड़ी 3-4 महीने, तब जाके मम्मी ने गाल पे एक पप्पी दे दी और पापा ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया।
ये तो हम अपने किसी को भी बोल के करवा सकते थे, किसी रिलेटिव के घर चले जाते, पैर पढ़ लेते तो आशीर्वाद मिल जाता, समझा। तो इतना भाव खा रहे मम्मी पापा, देखो वो बोल रहे तू पास हो तो तेरे को हम आशीर्वाद देंगे, सिर्फ आशीर्वाद, 100 रुपए भी मत मांगना उसके ऊपर। सो यहाँ पे देने वाला सप्लायर जो है वो एक ही होता है, समझा। यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा, यही गिफ्ट था, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद। अब बोलो क्या करोगे अगर यही गिफ्ट था तो। बेटा सीए सीईटी पास होने के बाद गिफ्ट मिलता ही है, आई अग्री, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ कि अगर कर दिया मम्मी पापा ने इतना भाव खा ही लिया, क्या कर लोगे, मोनोपोली है उनकी, कुछ नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू एक्सेप्ट, यू आर अ प्राइस टेकर, यू हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव एंड यू विल हैव टू पे दैट प्राइस। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मोनोपोलीज आर एक्सटर्नली अनडिजायरेबल, एक्सट्रीमली सॉरी, मोनोपोलीज आर एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल, क्योंकि जिसकी मोनोपोली हो गई ना, समझ जाओ वो बहुत मनमानी करेगा। कंज्यूमर्स के पास कुछ पावर नहीं बचती है, और मार्केट फोर्सेस जो होते हैं, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, देखो डिमांड कितनी भी बढ़ जाए, सप्लाई कितना करना है ये उस मोनोपोली वाले के हाथ में है। तो जिस दिन डिमांड बहुत बढ़ गई, बेटा नंबर ले लो एक दूसरे का जो उसको मिलेगा वो वहां पे बता देगा तुम लोगों को। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, मार्केट फोर्सेस। अब मोनोपोली जहां पे है, सेलर को कोई लेना देना नहीं, बायर को कितना डिमांड है बायर का, वो अपने मर्जी से प्राइस सेट करेगा, मर्जी से सप्लाई। आज 1 लाख बायर्स बाय करना चाहते हैं, सेलर बोलते हैं मैं 10,000 ही बेचना चाहता हूं। आप सोचो क्या होगा, 1 लाख ऑर्डर्स अवेलेबल है, सेल बायर्स 1 लाख यूनिट बाय करना चाहते हैं, बायर्स कितना बाय करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बाय 1 लाख यूनिट्स। सेलर बोल रहा है मेरा मूड आज सिर्फ और सिर्फ 10,000 यूनिट बेचने का है, मैं जस्ट अ मिनट, सेलर बोलता है भैया मैं बेचेगा तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 यूनिट, अब इनमें लग जाएगी जंग, इनमें चालू हो जाएगा कंपटीशन, इनमें चालू हो जाएगा कंपटीशन, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और भाव बढ़ जाएगा, और जिसको भी वो 10,000 यूनिट मिलेंगे वो बहुत ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, उनके साथ बहुत अत्याचार होने वाला है। प्योर मोनोपोली इज वेरी रेयर, हमारी गवर्नमेंट ने रेलवे में किया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने रेलवे में किया हुआ है, बट प्राइसेस को एकदम कम रखा है। एंड लास्ट इज डुओपॉली, डुओपॉली इज अनदर काइंड ऑफ ऑलिगोपॉली। ऑलिगोपॉली में कम नंबर ऑफ बिग सेलर्स होते हैं, ऑलिगोपॉली मतलब लिमिटेड सेलर्स बट डोमिनेंट सेलर्स, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस है। डुओपॉली में दो बड़े सेलर्स होंगे, ठीक है, दोनों हमारे साथ फुटबॉल खेलेंगे। ऑब्वियसली अतुल जी सीएसईटी पे आईफोन, मुझे तो सीए बनने पे नहीं मिला, सीए बनने के में तो बोल देते हैं घर वाले, अब तो आईफोन तुम ही खरीद सकते हो ना तुम्हारे पैसों से, ठीक है, तो जो मिलेगा हम ले लेंगे, मिला तो अच्छी बात है। मुझे तो सीपीटी पास होने पे भी पेड़े मिले थे, 500 रुपए मिले होंगे। चलो ठीक है, सो ड्यूओपॉली इज एन ऑलिगोपॉली, अ मार्केट डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। इन केस ऑफ अ ड्यूओपॉली, अ पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री में जनरली सिर्फ दो फर्म्स होते हैं, समझा। यहाँ पे दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोर वाइडली नोन मोनोपोली, जहां पे एक ही कंपनी डोमिनेट करती है। ये भी एक रेयर सिचुएशन है जहां पे सिर्फ दो फर्म्स है जो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रही है। वैसे अगर आप बोलोगे अभी के लिए बायजूस का, हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोपोली है, बट बायजूस के साथ साथ कुछ और इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, उनमें से अगर कोई बड़ा होगा तो हम बोल सकते हैं डुओपॉली है, समझा। यहाँ पे ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बायजूस का नाम मैं लेके कुछ उनको बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि बायजूस जो प्रोडक्ट सेल करता है बच्चों, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह, हाँ वेरी गुड, ओला उबर नेस्कैफे ब्रू, ठीक है, नो 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 दीज आर परफेक्ट बेटा, अगर कॉफी खरीदने जाओगे, यू आर वेरी राइट अंजलि बेटा, ठीक है, अगर कॉफी खरीदने जाओगे, मम्मी ने बोला कॉफी लेके जा, कभी जाओ कॉफी लेने के लिए, आपको एक तो नेस्कैफे नहीं तो ब्रू ही मिलेगा, दूसरे कोई कॉफी मिलेंगे नहीं, उन्होंने खुद ही और ब्रांड्स लॉन्च कर दिए हैं अब, समझा। नेस्कैफे के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल आते हैं, ब्रू कॉफी के अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, या फिर ओला और उबर, स्विगी और जोमेटो, डुओपॉली आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, एक तो इससे खरीदो या उससे खरीदो, दोनों में से एक ही रहेगा, समझा। सो इट इज यूजुअली मीन, डुओपॉली का मतलब होता है दो बड़ी बड़ी फर्म्स जिनका पूरे मार्केट पे इन्फ्लुएंस होता है, समझा, और वो जो भी एक्शंस ले उनका एक दूसरे पे भी फर्क पड़ता है और इंडस्ट्री पे भी फर्क पड़ता है। जोमेटो ने बोला हम 50% डिस्काउंट देंगे, स्विगी की वाट लग गई, स्विगी पे भी, जोमेटो की इस एक्शन का स्विगी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, स्विगी को इमीडिएटली डिस्काउंट देना पड़ेगा, 50 से ज्यादा 60 देना पड़ेगा, तो आपस में रिलेशन, जोमेटो ने बोला हम डिस्काउंट देंगे तो स्विगी का और उनका रिलेशन और खराब होते जाएगा, स्विगी बोलेगा यार ये तो अपना बिजनेस बर्बाद करने पर लगा हुआ है। Duopolistic markets make imperfectly competitive, are imperfectly competitive,
सो एंट्री बैरियर्स आर टिपिकली सिग्निफिकेंट फॉर दोज अटेम्प्टिंग टू एंटर. ये ना इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव है. डुओपॉली में दो फर्म्स जो है जैसे नेस्कैफे और ब्रू, इनमें डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है बट इनके प्रोडक्ट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. जो लोग नेस्कैफे पीते हैं वो ब्रू पीने के बाद बोलेंगे यार टेस्ट में थोड़ा फर्क है, और जो ये पीते हैं वो बोलेंगे उसकी टेस्ट में फर्क है. समझा यहाँ पे? सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. डुओपॉली में इनका बोलना क्या है कि डुओपॉली में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं होता. तो एक नेस्कैफे है, उनके पास अपना एक प्रोडक्ट है जिसकी एक फुल मार्केट में डिमांड है. एक ब्रू कॉफी है जिनके पास अपना प्रोडक्ट है, इनकी भी मार्केट में डिमांड है. अब मैं घुसना चाहता हूं इस बिजनेस में, मेरे पास मेरे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों से थोड़ा अलग है, तभी लोग मेरे पास अट्रैक्ट होंगे. समझाया पे? तो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू मार्केट. लास्ट चीज जो आज की हम खत्म करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. हमने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई में उन्होंने क्या बोला था कि सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और इनमें है डायरेक्ट रिलेशन. इसका मतलब उन्होंने बोला था कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाती है तब उसका सप्लाई भी ऊपर जाएगा, जब किसी कमोडिटी की प्राइस नीचे जाती है तो उसका सप्लाई भी नीचे जाएगा. अब इलास्टिसिटी में हम इस कंसेप्ट को मैथमेटिकली पढ़ेंगे. सर आपने तो बोल दिया कि प्राइस ऊपर चली गई तो किसी प्रोडक्ट का सप्लाई भी ऊपर चला जाएगा. अब सर किसी कमोडिटी की प्राइस थी 500 रुपीज, बढ़ के हो गई 550 रुपीज, तो देर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ 50 रुपीज. प्राइस हैज गॉन अप बाय 50 रुपीज. ठीक है, तो सर सप्लाई में कितना चेंज आएगा? पहली बात अगर गौर से देखो तो मैं निकालता हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट. परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. मेरी प्राइस चेंज हुई है 50, ओरिजिनल प्राइस थी 500, इनटू 100 तो प्राइस में चेंज आया है 10%. वेरी गुड, प्राइस में चेंज आया 10% सप्लाई. जब प्राइस 500 रुपीज थी सप्लाई 5000, जब प्राइस 500 यूनिट्स थी सप्लाई था 10,000 यूनिट्स. प्राइस बढ़ गई है बच्चों, अगर प्राइस बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? प्राइस बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? प्राइस 500 से 550 हो गई, सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? ओके यश, तो प्राइस बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ेगा. अब ध्यान दो, सप्लाई एक सेकेंड है, इधर ध्यान दो. यस अतुल, साक्षी, मिहिर, थैंक यू वेरी मच. बच्चों सप्लाई प्राइस चेंज होने के बाद सप्लाई है 10,000 यूनिट का. ठीक है, एक मिनट ना, मैं एक सेकंड के लिए मुझे टाइम दो. सप्लाई बढ़ के हो गया 10,500, सप्लाई बढ़ के हो गया 11,000. सप्लाई बढ़ के हो गया 11,000 यूनिट्स हो गया, और या फिर सप्लायर ने सप्लाई बढ़ा दिया
और 12,000 यूनिट्स कर दिया, या फिर सप्लायर ने 5 लाख यूनिट सप्लाई करने का डिसाइड किया। ये लास्ट वाली केस को बाद में देखते हैं। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो चेंज इन क्वांटिटी जीरो है। एक सेकेंड ना, मेरे को इसका मोटापा कम करने दो। इस केस में चेंज इन क्वांटिटी जीरो है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ रहा है? चेंज इन क्वांटिटी जीरो डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब भी हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो पहले प्राइस 500 थी, इधर पहले प्राइस 500 थी, बढ़ के 550 हो गई, तो डेल्टा पी चेंज इन प्राइस 50 हुआ। चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 किया तो चेंज इन प्राइस 50, ओरिजिनल प्राइस 500 इंटू 100 किया तो चेंज इन प्राइस 10% आया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दो। अब मैं करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। इस केस में देखो जीरो अपॉन ओरिजिनल प्राइस 10,000, ओरिजिनल सप्लाई 10,000 इंटू 100 करूँ तो आंसर जीरो ही आने वाला है। समझा? सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जीरो आ रहा है तो इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेरा क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस विच इज इक्वल टू जीरो। इस केस में आ गया जीरो, इस केस में आ गया जीरो। अब यहां पे बात करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी है 500 तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। अगर गौर से देखोगे एक दो तो 5% का चेंज आया है तो प्राइस इलास्टिसिटी आएगी 5/10% या 5/10 भी लिख दो तो चलेगा। प्राइस इलास्टिसिटी इस केस में आ रही है 5/10 विच इज 0.5 विच इज लेस देन 1। इस केस में डेल्टा क्यू है 1000 तो परसेंटेज आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 दैट इज 10%। सो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। इस केस में डेल्टा पी डेल्टा क्यू आ रहा है 2000, सो 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 नहीं भी किया तो चलेगा दैट इज 20%। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। और लास्ट वाले में चेंज आ गया 4,90,000 का, सप्लाई बढ़ गया 4,90,000। समझा? 4,90,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। तो 100 के दो जीरोज में काट देता हूँ, ये दो जीरोज में काट देता हूँ, सप्लाई बढ़ा 4,900%, सप्लाई बढ़ा 4,900% डिवाइडेड बाय 10%। ये बहुत बड़ी अमाउंट आएगी 490, इट्स अ वेरी ह्यूज इंक्रीज। यहाँ पे देखो 011, ये इसके पास आ रहा है, इसका आंसर आएगा 490 विच इज वे बिग। समझा यहाँ पे? तो ये पांच सिचुएशंस हम लोग अब कवर करने वाले हैं, सेम लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी में परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या? एनी चेंज इन प्राइस जीरो चेंज इन सप्लाई। तो देखो यहां पे क्या बोला उन्होंने, कमोडिटी हैज परफेक्टली इफ गिवन क्वांटिटी इट कैन बी सप्लाइड वॉट एवर माइट बी द प्राइस। यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर, कुछ भी प्राइस हो मैं इतना ही सप्लाई करेगा। पहले भी 10,000 करता था, सिचुएशन वन मैं सर पहले भी 10,000 यूनिट सप्लाई करता था और आज भी 10,000 करता हूं, प्राइस मैटर नहीं करती मेरे लिए। तो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली द इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी इज जीरो। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है वो मैं आपको वहां पे तो दिखाई दूंगा। This represents the fact that supply remains the same, और उसका जो ये है वो इधर है। देखो बच्चों प्राइस यहाँ पे है, क्वांटिटी यहाँ पे, जब प्राइस इतनी थी तभी भी सप्लाई इतना था, प्राइस इतनी है तभी भी सप्लाई इतना है, प्राइस इतनी है तभी भी सप्लाई इतना है। That's why it is a line that is parallel to y axis। और यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्होंने PES बोला है, बट और कुछ है क्या फॉर्मूला में? एक सेकंड रुका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला ये है ES।
तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगा। फिर आते हम लोग रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई मतलब क्या? बिग चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन सप्लाई। ठीक है, बिग चेंज रिलेटिवली लेस इलास्टिक ना, रिलेटिवली लेस इलास्टिक हमारा सेकेंड वाला केस है। सर प्राइस बढ़ी 10% से, सप्लाई भी बढ़ा बट सिर्फ 5% से, सो ये आंसर लेस देन 1 आता है इसका, बट ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा तो चेंज हुआ तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, व्हेन द चेंज इन सप्लाई रिलेटिवली लेस, सप्लाई इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, तो इट इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1 बट इट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, डू नॉट फॉरगेट दैट, रिलेटिवली ग्रेटर। अच्छा इसमें ये समझो, अब इसमें ये ग्राफ समझो, जब प्राइस इतनी थी सप्लाई इतनी थी, प्राइस डबल हो गई बट सप्लाई डबल नहीं हुआ। देखो सप्लाई पहले यहाँ पे था, अब इस केस में सप्लाई यहाँ पे, अगर गौर से देखोगे, देखो बच्चों प्राइस जब ये थी सप्लाई यहाँ पे था, प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई, और गौर से देखो यहाँ पे सप्लाई सिर्फ इतू सा बढ़ा, गौर से देखो सप्लाई इतू से बढ़ा जब प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई, समझा? यहाँ पे दैट इज वाई ये वाला सिचुएशन में इट इज, ये क्या है, स्टीपर स्लोप है। अब बात करते हैं ग्रेटर इलास्टिक, व्हेन, यहाँ पे ग्रेटर इलास्टिक मतलब स्मॉल चेंज इन प्राइस विच लीड्स टू ग्रेटर चेंज इन डिमांड सप्लायर, ग्रेटर चेंज इन सप्लाई, समझाए आप? अब यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है सर ये कौन से गुड्स होंगे कौन से नहीं होंगे, डिमांड की केस में याद रखना पड़ता है। डिमांड की केस में नेसेसिटीज के लिए जनरली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, कुछ केसेस में परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, लग्जरीज के लिए रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है, समझा? सो चेंज इन सप्लाई इज मोर कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, समझा? अब इसका ग्राफ कैसा आएगा गौर से देख लो, ठीक है, इधर इधर गौर से देखो गांव वालों, जब प्राइस इतनी थी, ठीक है, प्राइस इतनी थी तो सप्लाई इतना था, प्राइस इतनी है तो सप्लाई इतना है, गौर से देखो ये डिस्टेंस, इतने से ही प्राइस बढ़ी, सप्लाई कितना ज्यादा बढ़ गया, समझा? यहाँ पे सो ये है स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग, ये अपवर्ड स्लोपिंग स्लोप्स है, कर्व्स है, क्योंकि ये सब सप्लाई कर्व्स है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व्स है सारे के सारे, ठीक है, और ये ज्यादा स्टीप है। एंड लास्ट वन यूनिटरी, यूनिटरी में क्या जाएगा, यूनिटरी में क्या आएगा, यूनिटरी मतलब सेम, सेम मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज एग्जैक्टली इक्वल, क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन प्राइस, इन अदर वर्ड्स द चेंज इन बोथ प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू ईच अदर, समझा यहाँ पे? ठीक है, डन टिल योर। इसका इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ वैसे आएगा जितना यहाँ पे, एक सेकेंड, इसका ग्राफ समझ जाओ बच्चों, अगर गौर से आप मेजर करोगे ना, ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, जितनी प्राइस बढ़ी उतना एग्जैक्टली सप्लाई बढ़ते जाएगा, और ये ओरिजिन से भी पास होगा, ये इकलौता है जो ओरिजिन से पास होगा। क्यों ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस जीरो है तो इसकी डिमांड सप्लाई भी जीरो हो जाएगी, तो ओरिजिन से कौन सा वाला पास होता है, जो वहां से कहां से जाता है, ओरिजिन से कौन सा डाला जाता है, जहां पे परफेक्टली इलास्टिक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बच्चों यहाँ पे देखो कि ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, सपोज इधर ध्यान दो, ये प्राइस पे, प्राइस जब, एक सेकेंड ना, यहाँ पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा इसको ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, जब प्राइस इतनी थी तब सप्लाई इतना है, अब जब तक प्राइस बढ़ नहीं जाती मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा नहीं, प्राइस इतू सी बढ़ी मेरा सप्लाई इतना तक, मेरा सप्लाई इतना बढ़ जाएगा, तो प्राइस की थोड़ी सी भी इतू सी भी बढ़ी कि मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा, यहां से सप्लाई यहां चला जाएगा, इसीलिए इट इज अ पैरेलल लाइन, सॉरी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसीलिए इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी समझा दिया।
नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ सप्लाई, ये लास्ट कंसेप्ट है, चलो इसको खत्म करते हैं और आज फिर डाटा बाय बाय करेंगे। यहां तक समझ गया? प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने टाइप की है? पहली है इक्वल टू जीरो, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। एक सेकेंड रुक जाओ, ये है इलास्टिसिटी जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेट, इज लेस देन वन बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो, तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक माना जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन, ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन, ये माना जाएगा रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी थोड़ी भी भाव बढ़ा कि सेलर इसे ज्यादा बेचने के पीछे भागता है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक बोलेंगे हम इसे। और लास्ट वाले में रिलेटिवली मोर इलास्टिक में, और लास्ट वाले में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी, मतलब ह्यूज, तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। पांच वाले देख लिया हम लोगों ने, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे हम इसको। चलो अब reasons affecting elasticity of supply। कुछ commodities में seller, देखो कुछ commodities में होता है कि price थोड़ी भी बढ़ गई, sorry price बहुत भी बढ़ी तो seller थोड़ा सा ही supply बढ़ाएगा। कुछ cases में होता है price थोड़ी भी बढ़ी तो seller बहुत ज्यादा supply बढ़ा देगा, समझा? ऐसा क्यों होता है? तो इन चीजों पे depend करता है। पहला है price of goods, समझा? यहाँ पे मतलब if the price of goods increases or decreases the quantity supplied of it will also increase or decrease, ये तो हमें मालूम है, ये law of supply है। बट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, इट मे बी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। मतलब एक बात समझो, मेरा प्रोडक्ट अगर बहुत महंगा है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है मेरा, उसकी प्राइस थोड़ी और बढ़ी, मैं इसका सप्लाई बढ़ाना चाहता हूं बट मुझे भी लग रहा है कि अरे बिकेगा कि नहीं बिकेगा मुझे नहीं मालूम, समझा? तो प्राइस पे डिपेंड करता है, समझा? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की एग्जैक्ट प्राइस क्या है और उसकी प्राइस बढ़ने के बाद उसका और सप्लाई बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अगर चीप लग रहा था लोगों को तो थोड़ा प्राइस बढ़ने के बाद भी आप उसका सप्लाई बढ़ा सकते हो। सर मेरा प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं बट लोगों को लगता है कि सस्ता है, तो अगर मैं थोड़ी प्राइस बढ़ा दूं ना तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लोग और बाय करेंगे, तो मैं जैसी ही प्राइस बढ़ती है मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा इस केस में, समझा? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर, अगर सेलर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाली है तब क्या होगा, ध्यान दो इधर, अगर सेलर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाली तो क्या होगा। मैं एक सेलर हूं, मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास एक सेकेंड, मेरे पास स्टॉक है 100 यूनिट्स का, अभी रेट चालू है, प्लीज ध्यान दो, अभी रेट चालू है 50 रुपीज, कल रेट चालू था 50 रुपीज, द रेट टूडे हैज गॉन अप टू 55, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टॉक था 100 यूनिट्स का, इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट्स बेचना चाहता था व्हेन द रेट वाज 50, मुझे बताओ रेट 50 से 55 पे जाएगा तो क्या मैं 60 से ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा? विल आई बी रेडी टू सेल मोर देन 60? इज दैट व्हाट द लॉ ऑफ सप्लाई सेज? Is that what the law of supply says? कि सर प्राइस बढ़ गया तो आपका सप्लाई बढ़ जाना चाहिए, 50 रुपीज पे आप आपके स्टॉक में से 60 यूनिट सप्लाई करना चाहते थे, सो प्राइस 55 हो गई तो सर बढ़ा दो ना सप्लाई 60 से ज्यादा, 70 कर दो, 80 कर दो, यस? यहां तक समझा? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो आप मुझे बोल रहे हो कि सर बढ़ा दो, बट अगर मुझे लगता है कि प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप टू 75, मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 75 पे जाने वाली है तो क्या मैं 55, मतलब अभी 50 है, अभी 50 है, मुझे लग रहा है 75 पे जाने वाली है, तो अगर 50 से 55 पे चली गई तो क्या मैं सप्लाई को बढ़ा दूंगा या मैं रुक जाऊंगा और है वो भी कम कर दूंगा? विल आई वेट बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो टू 75, यस और नो? यस, तो इन दिस केस, इन दिस केस व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप एट अ फास्टर स्पीड सप्लाई इज आल्सो गोइंग अप बट एट अ स्लोअर रेट, सप्लाई इज गोइंग अप एट अ स्लोअर रेट, दैट इज व्हाई इट इज इन इलास्टिक एट दैट एट दिस मोमेंट। देखो ये नहीं बोल रहा, देखो सेलर भाग नहीं जाएगा बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग मोर देन 60 तो ये अभी क्या करेगा, सिर्फ 61 ही बेचेगा,
मतलब क्या हुआ ध्यान दो इधर, पहले जब प्राइस 50 रुपीज थी या 60 बेचता था, प्राइस 55 हुई तो इसने 75 बेचना चाहिए था, 80 बेचना चाहिए था, समझा, इसने कितना बेचना चाहिए था 80, बट इसको लग रहा है कि प्राइस 50 से 55 हुई, बट इसको लग रहा है प्राइस 75 तक जाने वाली है, तो वो क्या करता है 62 यूनिट्स ही बेचता है। मतलब उसने सप्लाई बढ़ाया बट हार्डली 2 यूनिट से ही बढ़ाया, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक बिकॉज इज एक्सपेक्टिंग फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली, तो थोड़ा सप्लाई तो बढ़ाएगा वो, क्योंकि बच्चों 5 रुपए तो कमाने मिल रहे ना अभी ऊपर के 2 यूनिट पे, एक्स्ट्रा 5 रुपए तो कमा लेगा। बट अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो हो सकता है, अगर ये नहीं होता तो हो सकता है वो 80 यूनिट्स पे पहुंच जाता, 5 रुपए बढ़ते ही उसने सप्लाई 80 पे लेके चला गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। उसने क्या किया, उसे एक्सपेक्टेड था प्राइसेस टू गो फर्दर अप, इसीलिए उसने सिर्फ इतने से बढ़ाया। कर ला इत पर्यंत ठीक है। सो इफ द सेलर थिंग्स दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स विल इंक्रीज इन द फ्यूचर और डिक्रीज, तो फिर एट अ पर्टिकुलर प्राइस दे वुड वांट टू डिक्रीज देयर ओरिजिनल सप्लाई। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि सर प्राइस बढ़ने वाली है और ज्यादा, तो मैं सप्लाई इतना नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं रुकूंगा फॉर द राइट प्राइस ताकि मेरी प्रॉफिट बढ़ जाए। इन दिस केस सप्लाई कर्व फॉर द गुड विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, देयर विल बी अ डिक्रीज इन सप्लाई कंप्लीटली ऑल टुगेदर, समझा यहां पे। तो अगर ये मेरा कर्व है और ये मेरा सप्लाई कर्व है, जब प्राइस इतनी है तब मेरा, एक सेकेंड, जब प्राइस इतनी है तब मेरा सप्लाई इतना है, अब क्या हो गया, मुझे लग रहा है प्राइसेस और बढ़ने वाली है, मैं सप्लाई ही कम कर दूंगा, मैं सेम प्राइस पे भी अब इतने ही गुड सप्लाई करूंगा, और उसकी वजह से सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई, समझा, इफ देयर इज अ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट कंडीशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई तो सेम प्राइस पे सप्लाई कम हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस तो द कॉस्ट कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स, इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड्स विल डिक्रीज एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट और टू द राइट। मतलब क्या हुआ ध्यान दो इधर, मतलब क्या हुआ, एक मिनट के लिए ध्यान दो समझ जाएगा। ये है मेरा एक सेकेंड, ये है मेरा सप्लाई कर्व, एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ की थी क्या यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये डिमांड कर्व बनाया था मैंने, फॉरगेट दिस, ये डिमांड कर्व बना दिया गलती से, मैं डिमांड में ही अटका हुआ हूँ। एक बात समझो बच्चों, मैंने वो डिमांड कर्व बनाया था, अब ये सप्लाई कर्व है मेरा, जब प्राइसेस इतनी है तो डिमांड सप्लाई इतना है मेरा, ठीक है, जब प्राइसेस इतनी है तो सप्लाई इतना है, ठीक है, यहां तक समझा। अब इन्होंने क्या बोला हमें, एक सेकेंड, अब इन्होंने हमें बोला कि कंडीशंस ऑफ कॉस्ट कर्व, एक बात समझो, कॉस्ट को मैं इसके नीचे ही बना देता हूं, ठीक है, अब इधर ध्यान दो, कॉस्ट कर्व को मैं इसके नीचे बनाता हूं तो शायद आपको और बेटर समझ जाए, ठीक है, कॉस्ट कर्व बन गया इसके नीचे, तो ये जो बैलेंस है ये प्रॉफिट है हमारा, ये जो बैलेंस है ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये कॉस्ट कर्व और ऊपर शिफ्ट हो गया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसका मतलब अभी सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 40 का, ठीक है। अब मेरा कॉस्ट कर्व बढ़ गया, मतलब माय प्राइस इज 120, माय कॉस्ट प्राइस हैज गॉन अप टू 90, सो माय प्रॉफिट हैज गॉन डाउन टू 30, खड़े खड़े सेम प्राइस पे मेरी प्रॉफिट गिर गई तो मेरा सप्लाई भी गिर जाएगा। पहले जब प्राइस 120 थी तब मेरा सप्लाई था 400 यूनिट्स, तब मेरा सप्लाई था 400 यूनिट्स बच्चों, 400 × 40 मुझे इतना प्रॉफिट होता था। अब ध्यान दो, अब जब मेरी प्राइस 120 है और अगर मेरा सप्लाई अभी भी 400 यूनिट्स रहता है तो मेरा प्रॉफिट गिर के 12,000 यूनिट हो जाएगा, उतने ही यूनिट बेच के कम प्रॉफिट हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं काम करता हूँ 300 यूनिट ही बेचता हूँ, 300 × 3 ठीक है, 9,000 मिलेगा तो भी चलेगा, बट 100 यूनिट्स अभी बचे हैं, ये जब प्राइस बढ़ जाएगी तब बेच देंगे, समझा। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ गया तो सप्लाई कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ा तो सेम प्राइस पे सप्लाई कम होगा। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स, देखो इधर तीसरी केस पे ध्यान दो, सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के 90 हो गया बट प्राइस भी बढ़ के 130 हो गया, तो अभी भी मेरा प्रॉफिट 40 है, मेरे सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इस केस में भी क्या हुआ, देखो
प्राइस जब 120 थी, मैं 400 यूनिट सप्लाई करता था, 400 यूनिट्स हर एक पे 40 रुपीज कमाता था, तो मुझे 16,000 प्रॉफिट होता था। प्राइस बढ़ के 130 हो गई, बट सॉरी कॉस्ट बढ़ के 90 हो गई, तो मैंने प्राइस 130 कर दी, और ये करने की वजह से मेरा प्रॉफिट अभी 40 हो रहा है। तो अभी भी मेरे को 400 यूनिट ही मैं बेचूंगा, 400 यूनिट बेचूंगा तो 400 × 40 16,000 मेरी प्राइस आएगी, समझा? यहाँ पे ठीक है, प्रॉफिट अभी भी उतना ही आ रहा है। तो मैं प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई नहीं बढ़ा रहा हूँ, 400 का 400 ही रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई। तो नेचर ऑफ द गुड्स, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर गुड्स मेरा पेरिशेबल है या लंपी है, लंपी मतलब बल्क में है, समझा यहाँ पे, तब इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। थोड़ा भी प्राइस कम बढ़ गया तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसे घर नहीं लेके जा सकते। देखो मेरे पास पड़ा है बहुत सारा मिल्क, ठीक है, प्राइस अभी 50 रुपीज है, तो आई एम रेडी टू सप्लाई 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क। प्राइस बढ़ के 55 हो गई, मेरे पास पड़ा था 6000 लीटर्स ऑफ मिल्क, मेरे पास 6000, मैं क्या करूंगा? प्राइस थोड़ी भी बढ़ गई कि मैं पूरा की पूरा 6000 लीटर्स बेच के निकल जाऊंगा, क्योंकि आज नहीं बिका तो कल पूरा मिल्क जीरो का हो जाएगा। अरे जीरो से अच्छा 55 रुपए, 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना तुमको, बिकॉज द गुड्स आर पेरिशेबल, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा भी प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा सप्लाई करूंगा। सो इसका मतलब इसकी सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक होगी। पेरिशेबल अगर है तो इसकी सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक ही आएगी, कर ले पर्यंत बढ़। अगर नॉन पेरिशेबल है तो मेरे पास एक कार है बेचने के लिए, ठीक है, मेरे पास 50 कार्स है बेचने के लिए, ठीक है, एक कार की प्राइस है 5 लाख रुपीज़। सो व्हेन द कार्स प्राइस इज 5 लाख रुपीज, आई एम रेडी टू सप्लाई 10 कार्स आउट ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ कार्स आई हैव। अब प्राइस बढ़ के अब ओके व्हेन द प्राइस इज 5 लाख रुपीज, आई एम रेडी टू सप्लाई दिस मेनी कार्स, हाउ मेनी कार्स? 10 कार्स। प्राइस बढ़ के 5,10,000 हो गई, मैं बोल रहा हूँ ठीक है चलो मैं 12 ही कार्स, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक है, प्राइस थोड़ी बढ़ भी गई तो भी मेरा सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास ये कार्स को स्टोर करने के लिए जिंदगी पड़ी है, मैं कितने भी दिन स्टोर करूंगा, आई विल वेट कि जब 6 लाख हो जाएगा ना तब मैं ज्यादा कार्स बेचूंगा, सो आई कैन वेट फॉर दैट प्राइस टू कम इन केस द गुड्स आर नॉन पेरिशेबल। द मोर पेरिशेबल एंड लंपी, ठीक है, द मोर द मार्केट इज लोकलाइज्ड एंड इन लोकल मार्केट सप्लाई इज रिलेटिवली स्मॉल, समझा? दूध वगैरह जो वेजिटेबल्स है ये सब आसपास से ही आती है, समझा? तो इसलिए इनका सप्लाई कैसा होता है, स्मॉल होता है, बट इनकी डिमांड इलास्टिक, इनका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक होता है। कोई भी सप्लायर थोड़ा भी ज्यादा भाव मिला पेरिशेबल गुड्स के लिए तो गुड्स बेच के निकल जाएगा। लास्ट वन इज फॉर दिस चैप्टर इज लेंथ ऑफ टाइम, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस देन बाय हाउ मच वुड सप्लाई राइज और हाउ मच विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी वुड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं एक कमोडिटी यूज करता हूं, मैं एक कार यूज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो, ओके, अब ध्यान दो इधर, द एक सेकेंड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग पीरियड इज लार्जर देन इन द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब एग्जांपल लो पेट्रोल का एग्जांपल लो, मैं पेट्रोल सप्लाई कर रहा हूं, आई एम अ पेट्रोल सप्लायर, प्राइसेस थे 90 रुपीज, तब आई वॉज सप्लाइंग 1000 लीटर्स, प्राइसेस हो गई 110 रुपीज, बहुत ज्यादा बढ़ गई, आज ही भरवाया मैंने, 110 रुपीज प्राइसेस हो गई, तो अब मेरा सप्लाई बढ़ के हो गया 5000 लीटर्स, समझा? जबकि मेरे पास स्टॉक बढ़ा है 50,000 लीटर्स का, मेरे पास स्टॉक बहुत है, बट इवन दो द प्राइस हैव गॉन सब्सटेंशियली अप, आई हैव नॉट इंक्रीज्ड माय, सॉरी मैंने सिर्फ सप्लाई को 2000 ही किया, मेरा सप्लाई सिर्फ 2000 लीटर पे ही आया। सो लोगों ने मुझे बोला कि सर इतना महंगा हो गया तो सप्लाई बढ़ा दो, मैंने बोला भाई साहब ये और महंगा होने की वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर क्या है देखो, फिर लोगों ने मुझे बोला सर अगर और महंगा हो गया तो लोग आपसे पेट्रोल ही नहीं खरीदेंगे, मैं बोलूंगा वही तो बात है, लोगों को अगर पेट्रोल नहीं खरीदना है तो उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए कम से कम 6 महीने 1 साल हर एक बंदे को लगेंगे बजट जमाने के लिए। तो मुझे पता है कि मेरा जो सप्लाई है इसको छोड़ के कस्टमर के लिए दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच होने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं ज्यादा भाव खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कस्टमर जल्दी स्विच ही नहीं मार सकता है, समझा यहाँ पे, बट अगर कस्टमर बहुत फास्ट स्विच मार सकता है
तो जैसे ही थोड़ा प्राइस बढ़ गया मैं सप्लाई ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा भी प्राइस बढ़ा तो कस्टमर स्विच इजी नहीं कर सकता अपना सप्लाई बेच के, निकल जाओ मार्केट से। समझा एवरीवन? अंडरस्टूड? क्या बोला है? ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग पीरियड वुड बी लार्जर एंड इन द शॉर्ट पीरियड देन इन द शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। थोड़े से ही एमसीक्यूज दिए हैं, तो 5 ही एमसीक्यूज है, एक बार फटाफट देख लो। आंसर भी दिया है, नो चेंज इन हैबिट्स कस्टम्स इनकम ऑफ कंज्यूमर इज एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली सप्लायर को हैबिट से लेना देना कुछ नहीं है बच्चों, सप्लायर तो सप्लाई कर रहे हैं। सर्विस और कमोडिटी हैज अ डैश इफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इट कैन बी सप्लाइड व्हाट एवर द प्राइस माइट बी। कुछ भी प्राइस हो उसका सप्लाई सेम रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इनइलास्टिक होना चाहिए, प्लीज ध्यान दो है? मैं खुद गड़बड़ हो गया। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक, वॉट एवर माइट बी द प्राइस सप्लाई इफ अ गिवन क्वांटिटी वॉट एवर माइट बी द प्राइस। अब यहाँ पे एक सेकंड, वर्डिंग्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? सर्विस और कमोडिटी हैज अ डैश इफ अ गिवन क्वांटिटी कैन बी सप्लाइड एट वॉट एवर मे बी द प्राइस। इसका आंसर परफेक्टली इनइलास्टिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऊपर डेफिनेशन में ही वो दिया है। डैश रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज कीन कॉम्पिटिशन बट नीदर परफेक्ट नॉर प्योर अमंग अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स हैविंग सम डिग्री ऑफ मोनोपोली बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन। बच्चों मोनोपोली भी है, बट एक की मोनोपोली नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है, उनके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंशिएटेड है, तो कॉम्पिटिशन है बट परफेक्ट नहीं है, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। When the demand changes, not because of price की वजह से नहीं, दूसरी वजह से चेंज हो रहा है, तो it is increase or decrease. Price की वजह से demand change हो रहा है, तो expansion and contraction होता है, acceleration, deceleration कुछ नहीं होता. When quantity demanded of a commodity increases as a result of the fall in its price, एक कमोडिटी की प्राइस गिरने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जा रही है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसे एक्सटेंशन लिखा है, आप इसे एक्सपेंशन भी लिख सकते हो। पिछले CS Foundation की बुक में दिस वॉज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओनली। विद दिस वी आर ऑफिशियली डन विद द फर्स्ट चैप्टर। आफ्टर सम टाइम्स आई विल मीट यू फॉर करंट अफेयर्स का चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो वो हम कल शुरू करेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड बच्चों, आई होप समझा होगा आपको। कुछ डाउट्स होंगे तो कभी भी आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर करंट अफेयर्स।